नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल योगी द इन्फो गुरुजी में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं दुबई विजिट वीजा से रिलेटेड कुछ नए अपडेट जो हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप यूएई आ रहे हो, जॉब के पर्पज से आ रहे हो या घूमने के पर्पज से आ रहे हो, तो आपको इन अपडेट्स के बारे में मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, वो कौन से अपडेट है, कौन सी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए जो कि दिसंबर में आपको बहुत काम आएंगी अगर आप दुबई में आ रहे हो विजिट वीजा के ऊपर। तो दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आज के वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाइए। और अगर आप चैनल पर नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। और ज्यादा से ज्यादा लाइक ठोक के अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो बिना देर करें चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरा काम है कि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकूं, आपकी ट्रैवल को हैसल फ्री बना सकूं, ताकि आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो, चाहे फिर वो दुबई हो या वर्ल्ड में कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो। कहीं से ही मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं, चाहे वो गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन हो या कहीं से मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ती है जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक उसी तरह से मुझे मालूम पड़ा कि विजिट वीज़ा पे अगर आप दुबई आ रहे हो या फिर अबू धाबी आ रहे हो, यूएई में कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो, देखो सबसे पहले तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है, एक तो आपके पास यूएई इशूड वैलिड विजिट वीज़ा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग, आपके पास 48 आवर्स प्रायर PCR टेस्ट रिजल्ट होना चाहिए जो कि नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, दो चीज़ें ये हो गई, तीसरा आपकी टिकट हो गई, और चौथा जो होता है वो है आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, आपको आप अपने फ़ोन में भी दिखा सकते हो, ठीक है, और आप उसका प्रिंट आउट भी लेके आ सकते हो। तो ये चार चीज़ें मस्ट है, ये आप अपने साथ ट्रैवल जब आप कर रहे हो दुबई में, यूएई में, कहीं भी, तो ये आप लेके अपने साथ चलिए। ठीक है, अब इनके साथ साथ में एक जो न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है वो ये है कि अगर आप दुबई में, अबू धाबी में वर्मन विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं, तो इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 3 महीने के विजिट पे आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इमिग्रेशन पे या फिर एयरपोर्ट पे आपसे पूछ लिया जाए कि आप यूएई में कहाँ पे रहेंगे। ठीक है, आपका रेसिडेंस कहाँ है, अगर आपके रिलेटिव है तो उनका रेसिडेंस प्रूफ आपसे वो मांग सकते हैं जो कि आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका कोई रिलेटिव फ्रेंड इन यूएई रहते हैं, दुबई में रहते हैं, तो उनका जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इजारी होता है, ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ कैरी करें अगर आप उनके वहाँ रहने जा रहे हो 3 महीने के विजिट वीज़ा पे, ये जरूर पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड थिंग, थोड़ा कैश भी आप अपने साथ में रखें। ठीक है, 3 महीने के विजिट वीज़ा के लिए बता रहा हूँ, 3 महीने के विजिट वीज़ा पे अगर आप जा रहे हो, थोड़ा कैश यूएई के 2000 दिरहम मतलब इंडिया के अप्रॉक्सीमेटली 40,000 रुपये आप अपने पास में जरूर रखें, दिरहम में रखें। ठीक है, अगर आप ट्रैवल करो 3 महीने के विजिट वीज़ा पे, अगर आप 1 महीने के विजिट वीज़ा पे ट्रैवल करो तो कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आप ट्रैवल कर सकते हो इजीली, और 3 महीने के विजिट वीज़ा पे भी नहीं पूछा जाता है, बट कुछ कुछ कहीं कहीं जगहों में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बीइंग ऑन सेफर साइड, आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें, आपका कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, ठीक है, उनका इजारी, उनका पासपोर्ट, उनकी इमिग्रेंट्स आईडी, वो सब चीज़ें आप अपने पास में रखें। ठीक है, अगर आपका कोई रिलेटिव नहीं है तो फिर आपके पास कैश होना जरूरी है। ठीक है, फिर भी आपसे प्रूफ ऑफ रेसिडेंस मांग सकते हैं, लाइक होटल बुकिंग एंड ऑल। मेक श्योर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये नया अपडेट्स हैं, अदरवाइज आपको एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा काम है मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँ, बता सकूँ कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और क्या गाइडलाइंस हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है अगर आप यूएई में ट्रैवल कर रहे हो ऑन विजिट वीज़ा। तो दोस्तों ये था दुबई विजिट वीज़ा के ऊपर एक क्विक अपडेट जो कि मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, कैश, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। प्रॉपरली आप इस वीडियो को देखें अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं यूएई में। तो दोस्तों आई होप आपके वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपके काम का लगा होगा, प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ही इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।